16+4 की गियरबॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। टोटल इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 7 तरह की पीटीओ की स्पीड जो है देखने को मिल जाती है, जो कि 50 एचपी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा फीचर लोडेड ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है बैलेंसिंग रोड भी देखने को मिलेगी, जिससे ट्रैक्टर की जो स्टेबिलिटी है बैलेंसिंग रोड के साथ में बनी रहे। किसान भाइयों, न्यू होलैंड कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर पहली बार मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो 50 एचपी कैटेगरी के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर नया साइज आपको देखने को मिल जाता है। जो रियर टायर का साइज है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15x9x28 इंच का साइज में रियर टायर के अंदर देखने को मिल जाता है। और जो वेट है टायर के अंदर आपको 32 किलो की प्लेट यहाँ पे जो व्हील के ऊपर कंपनी ने दी हुई है, जिससे जो स्लिपेज का इशू है इसमें ट्रैक्टर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ में ट्रैक्टर फील्ड के अंदर आपको चलता हुआ देखने को मिल जाता है। कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो 16+4 यानी टोटल 20 स्पीड का गियरबॉक्स कंपनी ने दिया है। तो यहाँ पर अलग से इसका जो लीवर है साइड में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यू होलैंड 3600-2 TX सुपर ट्रैक्टर के बारे में, जो कि सुपर सीरीज का ट्रैक्टर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुपर सीरीज सुपर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी और 50 एचपी कैटेगरी का यहाँ पे कंपनी ने बकायदा यहाँ पे स्टिकर जो है लगाया हुआ है। डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है, वही सिंपल डिज़ाइन जो 56 सीरीज के अंदर न्यू होलैंड कंपनी देती है वही डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। सामने से अगर बात करें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इसके इस ट्रैक्टर के अंदर जो वेट है आपको फ्रंट वेट जो कंपनी ने दिया है वो 55 किलो का यहाँ पे वेट कैरियर कंपनी ने दिया है, जिससे ट्रैक्टर आगे से नहीं उठेगा और जो स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे आपको एक्सल के स्पोर्ट के लिए एडिशनल वेट दिया जाता है, तो टोटल इसमें जो वेट है आपको 960 किलो का टोटल वेट इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें ज़्यादा वेट होने से ट्रैक्टर आगे से नहीं उठता है। उसके अलावा जो ट्रैक्टर की लंबाई है वो भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई के साथ में ट्रैक्टर आता है, जिससे आगे से उठने में ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार की समस्या जो आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रंट एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। जो एडजस्टमेंट है कुछ इस तरह से इस ट्रैक्टर में दी हुई है, जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रैक विड्थ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और उसके अलावा न्यू होलैंड के हर एक ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। और जो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बैलेंसिंग रोड भी देखने को मिलेगी, जिससे ट्रैक्टर की जो स्टेबिलिटी है बैलेंसिंग रोड के साथ में बनी रहे, किसी भी प्रकार की यहाँ पे अनबैलेंस जो ट्रैक्टर नहीं होता है। बैलेंसिंग रोड का किसान भाइयों के लिए फायदेमंद ये चीज़ होने वाली है। उसके बाद साइड से बात करें तो इसमें आपको जो न्यू होलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, 3600-2 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और जो प्लस है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद किसान भाइयों, अगर इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे FPT इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि न्यू होलैंड कंपनी का खुद का इंजन है। फिएट पावर ट्रेन इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि S8000 सीरीज का इंजन आपको कंपनी देती है, जो कि 2931 सीसी की क्यूबिक कैपेसिटी के साथ में आता है और 3 सिलेंडर के साथ में वर्क करता है। और उसके अलावा पंप, अगर फ्यूल इंजेक्शन पंप की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर माइक्रो बोश कंपनी का इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि भारी से भारी इंप्लीमेंट अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से सेक्टर के साथ में जोड़ के चला सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे फीड पंप कंपनी देती है, जिसमें आप अगर ट्रैक्टर हवा ले जाता है, डीजल की समाप्ति हो जाती है, तो इस पंप की मदद से इस पंप को आप प्रेस करके आसानी से जो है ट्रैक्टर को स्टार्ट कर पाएंगे। नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो पावर स्टीयरिंग का जो पंप है उसकी ऑयल की सप्लाई के लिए इसमें आपको सेपरेट पंप देखने को मिल जाता है। हाइड्रोलिक की ऑयल की सप्लाई के लिए जो पंप है वो भी आपको यहाँ पे सेपरेट जो है दिया हुआ है। सेपरेट पंप होने से ट्रैक्टर के अंदर जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी ट्रैक्टर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई है वो यहाँ पे सेपरेट कंटेनर के द्वारा करी जाती है। सेपरेट कंटेनर होने से फ़ायदा किसानों को ये होगा, जो पावर स्टीयरिंग का जो पंप है उसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी से नहीं होती है। उसके अलावा कंपनी ने एक चीज़ और भी ध्यान रखते हुए किसानों के लिए एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है, जो कि इंटरकूलर सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे, जो पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए इसमें आपको इंटरकूलर दिया हुआ है, जिससे पावर स्टीयरिंग के अंदर जो ऑयल की सप्लाई काफ़ी अच्छी बनी रहे और किसी भी प्रकार की समस्या जो है इसमें नहीं आएगी। बैटरी का स्थान इसमें आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि एक वेट का भी जो यहाँ पर कार्य करता है। कूलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। कूलेंट का भी इसमें आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेडिएटर है वो एल्युमिनियम की जाली के साथ में दिया हुआ है।
और जो रेडिएटर फैन है वो आपको यहाँ पे मेटल की क्वालिटी के साथ में, यानी जो मेटल का यहाँ पे कंपनी ने जो है फैन के अंदर इस्तेमाल किया है, जिससे टूटने का खतरा इसमें नहीं रहता है। उसके अलावा इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप की जो आईयू है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया है, जो नमी आ जाती है डीजल के अंदर उसको बाहर आप निकाल सकते हैं आसानी से। ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको डीजल को साफ करने के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल स्पिन फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर होने से डीजल की जो सफाई है काफ़ी अच्छी तरीके से करी जाती है, जिसमें पंप की जो आयु है उससे बढ़ जाती है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो टूल बॉक्स है वो साइड की तरफ ही आपको देखने को मिल जाता है, और जो फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में इसका जो फ्यूल टैंक कंपनी देती है, जिसमें रस्टिंग का जो जंग लगने का जो खतरा है वो नहीं रहता है, और डीजल की जो सफाई है काफ़ी अच्छी बनी रहती है। दूसरी तरफ से बात करेंगे तो इसमें जो एयर क्लीनर है वो यहाँ पे ऑयल बाथ टाइप पे देखने को मिल जाता है। इसमें आप आसानी से जो है इसको निकाल के, जो प्री क्लीनर है इसको निकाल के आसानी से इसको क्लीन करके दोबारा आप डाल सकते हैं। साइड से बात करें तो यहाँ पे जो अल्टरनेटर है उसका साइज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी के कण होंगे, भूसा होगा, इसके अंदर नहीं घुसेगा, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जाली कंपनी ने दी हुई है। उसके बाद ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बीच में आपको हल्का सा बम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कवर यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। ट्रांसमिशन ऑयल की हीट को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन कंपनी ने यहाँ पे नहीं दी है। और प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल ही फुटस्टेप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद सीट की बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर आपको डीलक्स सीट कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि लंबे समय तक अगर आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की इसमें आपको थकान जो है महसूस नहीं होगी। और जो सीट का जो पोजीशन है काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोजीशन कंपनी ने दिया है। अपने हाइट और वेट के हिसाब से आप एडजस्ट करके चला सकते हैं। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर एक स्पेशल फीचर जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो जो कि 16+4 की गियरबॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है, तो इसमें आपको एडिशनल एक स्पेशल गियर आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इस ट्रैक्टर को यहाँ पे कछुए चाल में एडिशनल स्पीड देना चाहते हैं तो इसकी लीवर की मदद से आप इसको आसानी से चला सकते हैं। नॉर्मल हाई लो वाला जो रेंज है इसमें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें अगर एडिशनल स्पीड आपको डालनी है तो इसमें आपको यहाँ पे एडिशनल जो लीवर है कंपनी देती है, जो कि स्प्लिटर गियर के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन फ़ायदा किसानों को ये होगा, अगर आप इम्प्लीमेंट के साथ में ट्रैक्टर को खेत में चला रहे हैं तो एडिशनल स्पीड जो है लीवर की वजह से आप ले सकते हैं, जो कि 16+4 का जो एडिशनल गियर बॉक्स है कंपनी ने यहाँ पे अलग से स्प्लिटर गियर का एडिशनल फीचर दिया हुआ है। उसके अलावा ये ट्रैक्टर जो है आपको यहाँ पे सॉफ्टटेक क्लच के साथ में देखने को मिल जाता है, यानी कार की तकनीकी वाली क्लच इसमें आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी आरामदायक क्लच इसमें आपको देखने को मिलेगी। और पीटीओ को संचालित करने के लिए, यानी पीटीओ को चलाने के लिए इसमें आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लच लीवर देखने को मिलेगा, जो कि जिसकी सहायता से आप पीटीओ को एंगेज और डिसएंगेज यहाँ पे कर पाएंगे। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे एप्ट्रा 7 पीटीओ देखने को मिलती है, यानी 7 तरह की पीटीओ इस ट्रैक्टर के अंदर आप चला सकते हैं, जो कि गियर स्पीड पीटीओ चलानी है अगर आपको वो भी आप इसमें आसानी से चला सकते हैं। 540 इकोनॉमी की स्पीड आपको चलानी है वो भी आप चला सकते हैं। 540 स्टैंडर्ड आरपीएम पे अगर आप स्पीड चलाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से जो है चला सकते हैं। टोटल सेक्टर के अंदर आपको 7 तरह की पीटीओ की स्पीड जो है देखने को मिल जाती है, जो कि 50 HP कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ से बात करें तो यहाँ पे AFD कॉन्स्टेंट मैच ट्रांसमिशन की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, यानी भागते हुए ट्रैक्टर में भी आप आसानी से इसके गियर जो चेंज कर पाएंगे। HP हाइड्रोलिक यानी उच्चतम तकनीकी हाइड्रोलिक इसमें ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। रिमोट वाल्व का एक एडिशनल फीचर ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है, उसको एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए इस लीवर की मदद से आप जो है ट्रॉली का जैक आसानी से उठा पाएंगे। ब्रेक की बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे जो है तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि सेफ्टी के मामले में काफी अच्छा कार्य यहाँ पे न्यू होलैंड कंपनी ने किया हुआ है। उसके अलावा न्यू होलैंड कंपनी के हर एक ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे लिफ्टोमैटिक बटन देखने को मिलता है, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सेम जो लिफ्टोमैटिक बटन का एक एडिशनल फीचर कंपनी देती है। इसकी मदद से आप खेत के अंदर जो है एक समान गहराई यहाँ पे सेट करके चला सकते हैं। दोनों ही लीवर को आप एक बार सेट करके जो आसानी से इस बटन की सहायता से इंप्लीमेंट को उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद मीटर कंसोल कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। बीच में आपको यहाँ पे RPM मीटर देखने को मिलेगा। और टोटल अगर इंजन रेटेड RPM की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर फुल जो 49.5 HP की जो फुल पावर है वो आपको 2100 इंजन रेटेड RPM पे जो है देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो मीटर कंसोल है वो एनालॉग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। छोटी सी यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन इसमें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ट्रैक्टर के घंटे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ में इसका जो स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिल जाती है।
उसके बाद किसान भाइयों अगर इसके रियर एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे मजबूत जो एक्सल है वो देखने को मिल जाता है, यानी प्लानिटरी प्लस की जो गिरारियाँ हैं उसके साथ में एक्सल आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके जो प्लानिटरी प्लस की जो गिरारियाँ आपको साइड में जो देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में जो इसका रियर एक्सल आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे जो रिमोट वाल का एडिशनल फीचर दिया हुआ है और जो टोपरिन के सेंसिंग पॉइंट है वो 3 सेंसिंग पॉइंट इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। रोड की सेफ्टी के लिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो वोटर होल्डर है वो भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और हाइड्रोलिक की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 1800 किलो की जो क्षमता है हाइड्रोलिक की देखने को मिल जाती है, और जो लिंकें हैं हाइड्रोलिक की वो यहाँ पे काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में दी हुई है, और जो स्टेबलाइजर है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसके पीटीओ एक्सप्लोरर एसएफसी की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट है उसके अंदर इसकी जो एसएफसी है, यानी 1 HP बनाने में 1 घंटे में ये ट्रैक्टर 182.4 ग्राम यहाँ पे डीजल लेता है, और जो मैक्स पीटीओ पावर है इस ट्रैक्टर की 46 HP की मैक्स पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर जो प्रोड्यूस करता है, जो कि 50 HP कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर की आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी जो है 6 साल की टी वारंटी प्रोवाइड करवाती है, और न्यू होलैंड की प्रॉपर ब्रांडिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो एडिशनल फीचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेन फीचर है 16+4 का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, स्प्लिटर गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है, और ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर 50 HP कैटेगरी के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे 15/9/28 का जो रियर टायर है आपको देखने को मिल जाता है, और जो फ्रंट टायर इसमें आपको 7/16 के साइज़ में कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा 50 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर जो आपके लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद विकल्प जो है बन सकता है। इस ट्रैक्टर की जो SFC है वो भी काफ़ी कम कंपनी ने कर दी है, डीजल की बचत के लिए काफ़ी अच्छा ये ट्रैक्टर आपके लिए बन सकता है। हरियाणा के झज्जर ज़िले में अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो 9000 ट्रैक्टर के नाम पर आपको डीलरशिप की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस ट्रैक्टर को आसानी से आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप ऐसी किसी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी इंप्लीमेंट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आसानी से हमें बता सकते हैं किस ट्रैक्टर की जानकारी आपको लेनी है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।